नमस्कार, श्रीलंका से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये खबर भारतीय टीम के लिए खुशखबरी की तरह है, जबकि श्रीलंकन टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। आप सबको बताया कि 18 तारीख से 18 जुलाई से वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है। उससे पहले ही कुसल परेरा टीम से बाहर हो चुके हैं और अब खबर आ रही है कि दिग्गज बल्लेबाज धनंजय डिसिल्वा भी पहला मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। दरअसल एक वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान बैक इंजरी से परेशान हो गए हैं धनंजय डिसिल्वा। शुक्रवार को वो ट्रेनिंग कर रहे थे जिसके बाद उन्हें बैक इंजरी हुई और उनका सिटी स्कैन कराया गया। अगर सिटी स्कैन में सब कुछ सही आया होता तो शायद वो मैदान पर प्रैक्टिस में दिखे होते, लेकिन वो मैदान पर प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रहे हैं, जिससे जो फैंस हैं वो कयास लगा रहे हैं कि शायद जो भारत के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला होगा उसमें धनंजय डिसिल्वा नहीं खेलेंगे। तो फिर श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। टीम के कई दिग्गज प्लेयर पहले से ही मौजूद नहीं हैं। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए धनंजय डिसिल्वा को श्रीलंका का उपकप्तान बनाया गया था। उनके पास 50 मैचों का अनुभव भी है और कप्तान दसुन शनाका को सिर्फ 28 वनडे मैच का ही एक्सपीरियंस है। तो यानी धनंजय डिसिल्वा का होना बहुत ज़रूरी था। इससे पहले कुसल परेरा पूरी सीरीज से ही बाहर हो गए थे। कुसल परेरा को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान कंधे में चोट लग गई थी। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने उस टूर पर खेलना जारी रखा था, लेकिन बाद में जैसे ही लौटे उसके बाद पहले तो उन्हें क्वारंटीन किया गया, फिर कंधे में चोट की वजह से उन्हें सीरीज से बाहर जाना पड़ा है। निश्चित तौर पर श्रीलंका को लगातार दो झटके बड़े लग चुके हैं। 30 साल के कुसल परेरा श्रीलंकन क्रिकेट टीम के लिए 22 टेस्ट मैच, 107 वनडे और 50 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। यानी जो अब जब कुसल परेरा नहीं है, धनंजय डिसिल्वा नहीं है, तो अनुभवहीन ये टीम होगी, नए प्लेयर होंगे इसमें। श्रीलंकन क्रिकेट ने हाल ही में कुसल मेंडिस, निरोशन डिकवेला और धनुष्का गुणातिलका पर बायो बबल उल्लंघन की वजह से भी बैन कर दिया था उन्हें मतलब इस सीरीज से बाहर कर दिया गया था। ऐसे में धनंजय डिसिल्वा का रहना एक बहुत बड़ा संबल था, मतलब श्रीलंकन टीम को मोटिवेट करता था, लेकिन इसके बाद जब वही बाहर हो गए हैं तब ऐसे में इस टीम के पास अनुभव की कमी महसूस हो रही है और ये संशय बताया जा रहा है और अब कयास लगाया जा रहा है कि शायद वो पहला मैच ना खेल पाएँ।